एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा पता ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम एक सीरीज ला रहे हैं, उसकी चौथी वीडियो यानी चौथा प्रश्न है। और ये क्वेश्चन बेटा मैं भी आपको वो करा रहा हूँ जो 2 से 3 नंबर, और मोस्टली मैं वो करा रहा हूँ जो 3 नंबर में आपसे CBSE ने पिछले सालों में पूछे हैं या पूछने के लिए उन्होंने सैंपल क्वेश्चन पेपर डालते हैं उसमें डाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आज हम लाए क्वेश्चन 2013 CBSE बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन, आप देखें इसमें 2 पार्ट हैं बेटा। पहला पार्ट क्या कह रहा है, इनफिनिटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर फुल स्टॉप, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर, एक इलेक्ट्रॉन उस वायर के चारों ओर घूम रहा है लेकिन किस प्रकार। देखो वायर के चारों ओर घूमने के तरीके कई हो सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है मैं आपको बताऊं, जैसे ये वायर है इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है एक तरीका। दूसरा तरीका ये वायर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, घूमने के तो कुछ भी तरीके हो सकते हैं चारों ओर कैसे भी घूम ले, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज एज इट्स सेंटर, जो वायर है वो उसके सेंटर पर है, ठीक है, उसमें भी तरीके हो सकते हैं ऐसे घूम ले या फिर ऐसे घूम, तब भी सेंटर भी रहेगा वायर, है ना। विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, पहली बात तो ये क्वेश्चन में कहीं गलती है बेटा, वेलोसिटी नहीं हो सकती कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट स्पीड कहना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, उसे कॉन्स्टेंट स्पीड कर ले। वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकती इसका आप मेरे को जवाब देंगे कमेंट में, अगर कोई बच्चा सच में ये वीडियो को देख रहा है तो, ठीक। अच्छा, इन ए सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू वायर, एक सर्कुलर प्लेन जो वायर के परपेंडिकुलर है, वायर के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, यहां पे जो सर्कुलर प्लेन ऐसे करके बना यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वायर कहाँ है, वायर तो सेंटर हो गया उसका, और सर्कुलर प्लेन जो कि परपेंडिकुलर है वायर के परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐसा है उस, वो सर्कुलर बनेगा सीधी सी बात, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो, है ना, सर्कुलर प्लेन, ओके। अच्छा फिर कह रहा है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है साथ में। अच्छा 2 नंबर में ये होगा और 1 नंबर में शायद ग्राफ बनाने को होगा। Plot a graph of kinetic energy as a function of charge density lambda, linear charge density lambda, lambda और kinetic energy में graph draw करना है। इसका मतलब है kinetic energy as a function of lambda का मतलब है kinetic energy lambda पर depend करती है। तो इससे इस question को पढ़ने से आपको एक ही समझ में आ गई कि जब आप kinetic energy का formula derive करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं lambda आएगा, कह रहा है कि function है, है ना। और ये भी हो सकता है कि ना भी आए, कई बार घुमाने को कहता है फंक्शन नहीं होता तो भी ग्राफ बनाओ, तो आपको पता है कांस्टेंट रहने वाला है ना, है देखते हैं, लेकिन मोर ऑर लेस 95-99% बेटा अगर इसमें दे रखा है ना लैम्डा है तो आएगा प्रॉब्लम, चेक करते हैं। मैंने बेटा यहाँ डायग्राम पहले से बना रखा है क्योंकि खूब स्केल लेके अच्छा सा दिखे। कैसा होगा, वायर पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बेटा निकलेंगी वो निकलेंगी, जैसे वायर है ऐसे निकल रही है यूं, उस तरफ को ऐसे करके हर तरफ को निकलेगी, उससे जस्ट नीचे वाला वो भी एक छोटा सा पॉइंट चार्ज समझ लो उससे भी निकलेंगी, यूं हर तरफ निकलेगी हर तरफ, तो लाइक सिलेंडर शेप में निकल रही है, सिलेंड्रिकल शेप में निकल रही है, ठीक है, रेडियली बाहर को निकल रही है, ये आप सामने से देख रहे हैं। अगर आप इसे ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू, ऊपर से मतलब ऐसे यूं, अच्छा ये ऐसे देखो तो लाइन ऐसे जाती हुई दिखेंगी, यूं वो मैंने यहाँ दिखाया है। अच्छा ये है बेटा वो सर्कुलर प्लेन जिसपे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि ये प्लेन वायर के परपेंडिकुलर है, ओके। अच्छा घूम रहा है तो कुछ ना कुछ रेडियस रहेगी, अच्छा जी अब आपको एक बात और पता है, घूमने के लिए जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ठीक है, और उसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, mv² / r, r is what, radius of track, radius of path, v is what, speed of body, ठीक, m mass of body, जो भी body घूम रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके बेटा एक चीज और समझना, इसका मतलब है भैया पहली बात तो फोर्स अंदर को ही लगेगा तभी घूम रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा अंदर को, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है कैसे फोर्स अंदर को लगेगा, बिल्कुल लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की ओर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो बेटा फोर्स कहाँ लगेगा, आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, Q into E,
याद है, पता होगा क्यू मतलब चार्ज, कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। ये कैपिटल ई क्या है बेटा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दो। अब बेटा मैं बताऊं आपको यहां माइनस क्या शो करता है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड है तो फोर्स रेडियली इनवर्ड लगेगा, और फोर्स रेडियली इनवर्ड लगना ही चाहिए था बेटा, रेडियली इनवर्ड लगेगा तभी इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा वायर के चारों ओर, अगर आउटवर्ड लगता तो इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ घूम जाता। ठीक है, वायर के चारों ओर घूमने के लिए बेटा फोर्स रेडियली इनवर्ड लगना ही पड़ेगा, तो हमें साइन से इतना मतलब नहीं, लेकिन हमें पता चल गया कि फोर्स अंदर को लग रहा है। ठीक है, ओके चलिए, आई होप आपके समझ में बात आई है। ठीक, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। अच्छा, अब सोचो जो फोर्स यहां लग रहा है, वायर वहां, इलेक्ट्रॉन वहां भाग रहा है, तो इस पे थोड़ा इधर बैंड बनने लगेगा, ऐसे जाएगा, फिर फोर्स इधर ऐसे, फिर ये इधर बैंड होगा इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्स उधर, फिर फोर्स अंदर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो फिर ऐसे बैंड होगा, बैंड 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 होकर बेटा सर्कुलर पाथ पे घूमता है। ये होता है इसके पीछे की फिजिक्स होती है। एनीवेज, अब हमें पता चल गया सर फोर्स लग रहा है ई। अब ई तो छोटा इलेक्ट्रॉन, तो वो तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। बड़ा ई क्या है बेटा, इस पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस दूर है, देखो हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस दूर होगा क्योंकि सर्कुलर पाथ बन रहा है वायर सेंटर पे, हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस दूर है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, सिमेट्री से हर जगह, डायरेक्शन अलग है लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स बराबर क्या हो गया, आप देखेंगे क्यू इंटू ई, मतलब कि फोर्स आ गया बेटा आपका ई इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा इस हर जगह, तो अब आपको पता होना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कि लैम्डा। तो स्ट्रेट वायर बेटा, जो लीनियर चार्ज आपका होता है इस तरीके से, एक वायर अगर मैं मान लूं, ये वायर है, ठीक है, ये रहा, इससे आर डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आर के रेसिप्रोकल होता है। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन में, एक नंबर में बेटा फोर्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लीनियर चार्ज वायर में आर पे कैसे डिपेंड करती है, आर की पावर -1, बहुत पूछा गया है। तो ये इंटेंसिटी होती है, वैल्यू है ये, ठीक है ना। अच्छा, तो बेटा फोर्स कितना लग रहा होगा, आपको पता है फोर्स लग रहा होगा ई इंटू, ये वाला ई कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये समझ में आया सर, फोर्स इतना लग रहा होगा। ठीक 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 ठीक, इसमें कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं फिर से बताऊँ आपको, मुझे लाइव का वो है ना, पूछ सकते हैं करके। चलिए खैर, ये आ गया होगा आपका सुनने, ऑलराइट, ई की वैल्यू रख दी। अच्छा, अब कौन सा फोर्स होता है जो घुमाने का प्रयास करता है किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे, आपको पता है वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमने निकाला, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा बेटा। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकता है बॉडी को घुमाने के लिए, जैसे कि फ्रिक्शन करता है जब कोई गाड़ी घूमती है ना, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स करता है जो मून घूम रहा है हमारे अर्थ के चारों ओर, तो कोई भी फोर्स हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बिहेव कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा, और सर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² / r इक्वल टू ई लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, हमें असल में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करना है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे कुछ कुछ दिखने लगा है, आने को ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो mv² है, हाफ की कमी है। अच्छा, तो देखो बेटा क्या मैं यहाँ हाफ की मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर भी हाफ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1/2 की मल्टीप्लाई, तो नीचे ही हो जाएगा 4। ओके, आर को उधर फेंक के मारो, अब फेंक के मारो मर गया, देखो आर तो ही मर गया, आर मर गया, तो ये बना आपका काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या बनता है, ई लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला आपका बेटा काइनेटिक एनर्जी का निकला है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि और यहां ध्यान रखना बेटा, ये मास इलेक्ट्रॉन का रखा है हमने, ये ध्यान रखना इस बात को, कि जो बॉडी घूमती है उसका मास रखते हैं ना। हाँ,
तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी के बीच ग्राफ के बीच का फॉर्मूला है, के बीच का फॉर्मूला है। ओके, ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो बहुत सिंपल है। देखो क्या ये भी देखा देखा लग रहा है, 1/4πε0 कॉन्स्टेंट होता है कूलम्बिक, E की वैल्यू ये भी कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब है बेटा, आप ध्यान से देखो तो ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट है, ये पूरा एक कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी लीनियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बेटा ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पर कुछ प्लस वगैरह भी नहीं है, तो लीनियर ग्राफ बनेगा, उसके डिग्री वन बने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा लीनियर ग्राफ बनता है। इधर वाई पे हमने ले लिया बेटा सपोज काइनेटिक एनर्जी, एक्स पे हमने क्या ले लिया सपोज थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, चलो कोई बात नहीं, एक्स पे हमने ले लिया सपोज क्या ले लिया लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, देखो बेटा अगर लैम्डा जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, रखो ये देखो लैम्डा जीरो तो जीरो, तो जीरो से स्टार्ट होगा। और एक बात और, लैम्डा पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। अब मजे की बात है, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी? इसका जवाब मेरे को आपसे चाहिए बेटा। अगर लैम्डा नेगेटिव है तो क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी? इसका जवाब मेरे को आपसे चाहिए। ओके, खैर ग्राफ कैसा बन जाएगा आप देखेंगे, ग्राफ बनेगा इस तरीके से, लीनियर ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ लीनियर इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो गया ये, मेरे ख्याल में ये बी पार्ट ये एक नंबर का होगा, और ये जो डेरिवेशन पूरा हमने किया ये बेटा दो नंबर का हो गया, बन गए आपके तीन नंबर। फिर से बता रहा हूं, एक बात और ध्यान रखना बेटा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2πε0r रख दिया, अदरवाइज हम नहीं रख सकते थे बेटा उसे, इनफाइनाइटली लॉन्ग था इसलिए। एक बात, दूसरी बात बेटा, यहां पे लिखा है पॉजिटिवली चार्ज, अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज वायर था तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सारा बाहर को जा रहा है। क्या सर ऐसा हो सकता है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाए? इस क्वेश्चन के लिए ये नेगेटिवली चार्ज हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन पे काम किया इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता, तो जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होता ना वो उधर की तरफ लगता बाहर को, तो वो वायर के चारों ओर नहीं घूम पाता, वो उधर भाग जाता। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज एग्जाम में आ जाए तो इसको पॉजिटिवली चार्ज होना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में कह देगा कि भैया इसे मान लो प्रोटॉन मान लो या अल्फा पार्टिकल मान लो, लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, जब आप इसे अल्फा पार्टिकल मान लेंगे तो यहाँ चार्ज चेंज हो जाएगा बेटा, अल्फा का चार्ज 2 ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। बस बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। ग्राफ ग्राफ के बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के बेस्ड, बनाने को आया ग्राफ, ठीक है? तो आप समझ गए मेरी बात, ठीक है ना? तो बेटा आई होप आपके समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, इसे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच बेटा।